तो आज हमारे पास में आ चुका है एक बहुत बड़ा बॉक्स और इसके अंदर है दो ऑफिस एग्जीक्यूटिव चेयर्स। हालांकि एक है और एक मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया है। और बॉक्स के अंदर के कंटेंट में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या हमें मिलता है इसके अंदर में और इसके साथ में एक्चुअली में। और इसको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। तो ये DIY प्रोडक्ट है, मतलब कि आप खुद से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में बिना किसी टेक्नीशियन के। तो सबसे पहले तो हमको मिल जाता है इसका नीचे वाला स्टैंड, जहाँ पे जो व्हील्स है वो पहले से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये है पहला चीज़ जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। अभी देखते हैं कि दूसरी चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हमको मिलता है इसका हाइड्रोलिक। तो ये वाला जो हाइड्रोलिक है ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए इन सब चेयर्स में दिए जाते हैं, हाइड्रोलिक या फिर आप इसको गैस सिलेंडर भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मली चेयर का जो हाइट है उसको ऊपर या नीचे करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमको मिल जाता है इसका कवर। तो इस वाले हाइड्रोलिक को कवर करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ कवर्स दिए गए हैं, जो कि हम इंस्टॉलेशन में आपको दिखाने वाले हैं। और जो फाइनल कंटेंट है वो है यहाँ पे अपना चेयर। तो इसको भी मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वाले बॉक्स में दो चेयर्स थे। तो पहला वाला जो चेयर है वो मैंने निकाल करके इंस्टॉल कर लिया है और ये दूसरा वाला है। और आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट वालों ने इसको किस तरीके से पैक किया है, अजीब तरीके से इसको इस वाले बबल रैप के अंदर, मतलब कि रैप करके दे दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ये जो चेयर्स है मैंने इनको परचेज किया है इस वजह से क्योंकि काफ़ी देर तक कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में डेस्क में बैठ के काम करने से क्या होता था कि बैक पेन हो जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी बैक पेन नहीं होगा क्योंकि ये एर्गोनॉमिकल डिज़ाइन के साथ में आता है। और इसी वजह से मैंने इनको परचेज किया है। और यहाँ पे इसको मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये प्लास्टिक और शायद से जो मेस है, लिनन का मेस है, उससे बनाया गया है। और इसमें ज़्यादा फीचर्स हमें नहीं मिलता है, सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और जो टिल्ट है वो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर से मैंने सब कुछ बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले तो हमको अपना जो चेयर है वो मिलता है, इसके अलावा नीचे वाला जो स्टैंड है व्हील के साथ में कनेक्टेड है वो मिल जाता है, और जो हाइड्रोलिक है वो मिलता है, और हाइड्रोलिक का जो कवर है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चार चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर मिलता है और ये टोटली DIY प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर हमको मिल जाता है इसका इंस्टॉलेशन गाइड, या फिर कह सकते हैं आप इनके तरफ से एक लेटर, और इस वाले लेटर को आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कस्टमर के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ब्रांड है वो DZYN है, जिसका नाम मैंने पहले तो कभी नहीं सुना हुआ है, फ्लिपकार्ट से ही मैंने इसको देखा था। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके साथ में 6 महीने का वारंटी मिल जाता है, लेकिन वारंटी किस तरीके से क्लेम करना है क्या है वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा इसकी दूसरे साइड में हमें बताया गया है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो चार यहाँ पे स्टेप्स हैं, चार कंपोनेंट है और चार स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ऑलरेडी, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसका नीचे वाला जो पार्ट है जो कि मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर इस वाले जो हाइड्रोलिक है इसको रखना है। बस यहाँ पे एक के बाद एक चीज़ें रखते जाना है और ये इंस्टॉल होता जाएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है इस वाले हाइड्रोलिक को, और इसके बाद में इसके ऊपर में जो है हम चेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो कवर्स हैं उनको यहाँ पे लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ पे हाइड कर लेगा इस वाले हाइड्रोलिक को। तो किस तरीके से जो हाइट है वो एडजस्ट करता है वो इतनी आसानी से आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया है और अभी बस इसके ऊपर में जो चेयर है वो हमको लगाना है। तो मैं इसको सिंपली उठा के इसके ऊपर रखने वाला हूँ। और यहाँ पे चेयर के नीचे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे जगह बनाया गया है जिसके ऊपर ये यहाँ पे आसानी से फिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे लग जाएगा और ये लग जाने के बाद में ये कम्प्लीटली रेडी टू यूज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वाले चेयर की जो फीचर्स है वो सिर्फ दो ही फीचर हमको यहाँ पे मिलता है, एक तो रिवॉल्विंग चेयर है, दूसरा यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं, और साथ ही साथ आप इसका जो टिल्ट है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं और जो हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा यहाँ पे फीचर हमको नहीं मिलता है। हालांकि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है इस वाले चेयर के लिए, मुझे ऑलमोस्ट 2800 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े। हालांकि दो चेयर्स मैंने लिए हैं इसलिए यहाँ पे प्राइस मुझे थोड़ा सा कम देना पड़ा। सिंगल चेयर आप लेने जाएंगे तो थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़्यादा पे करना पड़े। तो दो चेयर का जो कॉम्बो था उसके लिए मुझे पे करना पड़ा था 5600 रुपीज़, और यहाँ पे इस हिसाब से जो
सिंगल चेयर का प्राइसिंग है वो निकल के आ जाता है 2,800 रुपीज़ का। और लेकिन अगर आप सिंगल चेयर लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, ऑलमोस्ट 3,000 या उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप दो ले सकते हैं तो दो ही लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम पे करना पड़ता है और आपको दो चेयर का जो कॉम्बो है वो मिल जाता है। और अगर आपको ये ब्लैक कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसका एक दूसरा कलर वेरिएंट है रेड और वाइट का, तो ये वाला भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिक वाले पार्ट्स है वो आपको मिल जाएगा वाइट कलर में, और जो कुशन वाले पार्ट्स है वो आपको मिल जाएगा रेड कलर में। और इसके अलावा जो नीचे वाला स्टैंड है जो मेटल पार्ट्स है वो आपको सेम मिलेगा ब्लैक वाले कलर वेरियंट के जैसे ही। यहाँ पे बाकी डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इस वाले कलर को भी आप देख सकते हैं अगर आपको ब्लैक कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो। लेकिन इसके लिए जो प्राइस है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़े, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए कि रेड कलर का कितना प्राइस अभी चल रहा है। बाकी मुझे तो ये वाला ब्लैक कलर का जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छा ही मुझे लगा है। यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो भी बहुत बुरा नहीं है। और यहाँ पे डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिलता है, जहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, जो हैंड रेस्ट है उसमें से ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है ऐसा मुझे लगता है। नीचे जो यहाँ पे स्टैंड यूज़ किया गया है वो पूरा का पूरा मेटल का है, स्टील का यहाँ पे बनाया गया है, और जो व्हील्स है वो प्लास्टिक का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो कुशन है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। और अगर आपको इसमें काफ़ी देर तक बैठ के काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको मिल जाता है मेस वाला डिज़ाइन, जहाँ पे जो लिनन का मेस है वो मिलता है। और ये कितने दिन टिकेगा इसके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक इसको अभी यूज़ नहीं किया है, तो यूज़ करने के बाद में मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में रहा है। तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके प्लास्टिक की क्वालिटी की तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा ही यहाँ पे है। लेकिन जो मेस है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेस वाला पार्ट है कॉर्नर में थोड़ा सा बाहर आ गया है, ये ट्रांजिट के टाइम पे शायद से ही बाहर वाला जो मेस है मुझे लगता है कि इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कहाँ पर किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है उसके बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि अगर इसको रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन मार्केट की, तो मेरे यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में इसका प्राइस मुझे बताया गया था ऑलमोस्ट 3,800 रुपीज़ के आसपास, तो मुझे इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं करना है। 2,800 रुपीज़ में जो प्रोडक्ट मुझे मिला है मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे प्राइस टू क्वालिटी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस प्राइस में इससे अच्छा क्वालिटी मुझे शायद से नहीं मिल सकता था। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 7 out of 10 देना चाहूँगा इस वाले प्रोडक्ट को, तो इस हिसाब से मुझे तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला प्रोडक्ट। तो हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो इस वाले लीवर को यूज़ करके आप इसका हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक का यूज़ किया गया है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाता है, और साइड में आपको जो नॉब दिख रहा है उसको घुमा के आप जो टिल्ट है चेयर के बैक पोर्शन का उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिवॉल्विंग है चेयर का वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें बैठने के बाद इसका हाइट आप नीचे ले सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, और नॉब को यूज़ करके आप इसका जो टिल्ट है उसका फोर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब फीचर इसके साथ में मिल जाता है इसके इस वाले चेयर के साथ में, जो इस प्राइस पॉइंट में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इसका जो रिवॉल्विंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस वाले चेयर में, जो कि एक अच्छी बात है इस चेयर का। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैंने दो चेयर्स परचेज करे हैं, तो ये वाला है दूसरा वाला। तो ये कॉम्बो वाला और सिंगल वाला दोनों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इन चेयर्स के बारे में आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी आने वाले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।